पतंजलि जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के योग अभ्यासों को सूत्र रूप में लिपिबद्ध किया। पूरे पांव को और ऊपर उठाते जाते और बढ़िया अपने हाथ साइड में कर ले, देख ले कोई किसी से टच तो नहीं हो रहा है, आगे करें, आगे तो नहीं कोई किसी से टच हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने हाथों को आगे हो उसको झटकना शुरू कर दे, बहुत बढ़िया, हाथ ऊपर 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 ऊपर, बहुत बढ़िया, सब स्माइल के साथ, ठीक है। जिनसे नहीं होता वो रहने दे, ठीक है, जिनके अभी 10-20 में पेन है, हाथ साइड में, बहुत बढ़िया साइड में, वाह बहुत बढ़िया। एक बार फिर से ऊपर आगे पूरा झुक जाऊं। समझता हूं कि आज इस देश के अंदर हमारा खान पान बदला है, हमारा रहन सहन बदला है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां जो है वो मानव शरीर में जो है वो लगती जा रही है, हमारी आयु जो है वो कम होती जा रही है। तो आज से इस समय में अगर हम धन्यवाद करते हैं पतंजलि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का, जिन्होंने फिर से जो है वो इसका इस देश के अंदर जो है इस मानव जाति को जो है वो इस और जो है वो मार्गदर्शन जो है वो करके आगे बढ़ाया है, जिससे हम अपने जीवन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, हम विश्व की शांति की ओर बढ़ सकते हैं, हम मानव से जो है वो देवत्व की प्राप्ति की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं। इस करके हमें जो है वो प्रतिदिन जो है वो योग करना है, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो औषधीय गुण हमने योग द्वारा अपने शरीर के अंदर जनरेट किए हैं, उनको रोगों को निदान के लिए किए हैं, ना कि खाने को पचाने के लिए किए हैं, नहाने के लिए किए हैं। तो 15 मिनट से लेकर मिनिमम कम समय आपके पास 15 मिनट विश्राम दीजिए, शरीर को एब्जॉर्ब करने दीजिए उन रसों को, है ना। तो ये सावधानी का भी ध्यान है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जो हम सबके लिए बड़ा खुशी का विषय है। योग व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए एक बहुत पुरानी विद्या भारत की संस्कृति में विद्यमान थी, लेकिन मान्यता न मिलने के कारण इसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार नहीं था। बहुत लोग इसके ऊपर बातचीत करते थे लेकिन उसको मान्यता नहीं थी। कुछ वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 177 देशों ने इसको मान्यता दी है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाया जा रहा है। हम भी यहाँ पर पतंजलि योगपीठ जो अपनी संस्था चलती है बाबा रामदेव जी के माध्यम से, उनके सभी संघ सेवकों के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय स्तर पर और हर गाँव में हर शहर में इसका आयोजन हो रहा है, ये बहुत खुशी का विषय है। और सब लोगों को इसका नियमित योग करना चाहिए ताकि अपना शरीर और मन अच्छा रहे और हम सब लोग स्वस्थ रहें।